चेक करियो। जहाँ जहाँ गड़ी मारी हुई वो तो बहुत रखता है, उसका सरकार को सेंट्रल सरकार को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये अब वोटा के दिन है, ये इलेक्शन के दिन में भी किसी से किसान की नहीं सुनी गई तो फिर कब सुनाएंगे। देखो किसान धरना लगा के बैठे हैं, वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इलेक्शन के दिन है, यहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है। अब देखो पहली जो बारिश हुई उससे देखो दाना बिल्कुल भी एक भी दाना नहीं है, देखो आपके सामने मैं मसलता हूँ, कुछ नहीं निकलेगा छत्ते में। तो ऐसा जो नुकसान होता है जिमीदार को किसी गल की कोई भरवाई नहीं होती। किसान का कर्जा जब सर होता है सिर्फ इसी वजह से होता है, जब फसल मर जाता है उसके बाद में कोई कर्जा मुड़ा नहीं जाता, और भी किसान की और भी। कितने खेत हैं आपके जितनी जिसकी फसल जो खराब हुई है, कौन सी फसल है? देखो गेहूं की फसल है, इसमें बिल्कुल तैयार बैठी, और जहाँ पर गड़ीबारी हुई है वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सब दाना गिर गया। जो पहली बारिश हुई थी और अंधेरी आया उसमें ये जो दाना आपको दिखाई रहे हैं ये बिल्कुल भी एक भी दाना नहीं इसमें पड़ा, सब खाली है। कितनी फसल खराब हुई है? देखो 10 एकड़ थे हमारे, तो 10 एकड़ थे, बाकी जो किसान है उसकी तो सबकी सबकी है ना, जितना भी गेहूं है उसका नुकसान काफी ज्यादा हुआ। कितना टोटल नुकसान हो गया? देखो 25-30% तो आराम से हुआ, आराम से जी। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल सरकार को देखो अब इलेक्शन है जी, इलेक्शन के दिन में भी नहीं किसान की सुनेंगे और किसान कहाँ जाएगा क्या करेगा, इसीलिए तो धरना लगा के बैठे हैं कि देखो किसान के जो सिर पे कर्जा हुआ वो इसी वजह से हुआ, जो इसका नुकसान हो जाता है उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। देखो जी फसल तो पहले भी गिर चुकी थी, पूरी तरह से बिछी हुई है, आप देख रहे हैं। तो जो रात में गड़ेमारी हुई है ना, उससे भी जो पक्की फसल पे गड़ेमारी होती है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो दाना पक्का हुआ आता है वो जल्दी गिर जाता है। हरी कणक में इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो पहले ही गिर गई है उसके ऊपर गड़ेमारी हो गई है तो उससे तो 25-30% तो नुकसान हो गया जी। आपके कितने खेत हैं? मेरे 25-30 एकड़ है कणक, जिसमें से देख लो हुण तुसीं आप ही चौथा हिस्सा उसमें नुकसान हो गया है। तो उसी हिसाब से हमारे जो 6-7 किला तो समझ लो बीच में से निकल जाएगा। कितना नुकसान जो हुआ है? नुकसान 25-30% हो गया है। अगर 40,000 की निकलनी थी कणक तो चौथा हिस्सा उसमें 10,000 किले का तो नुकसान हो ही गया ना, 1 एकड़ के हिसाब से।